हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है संडे और मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। 7:30 बज रहे हैं। आज मैंने येलो कलर का ही सूट पहना है और इसकी कोल्ड स्लीव्स हैं और येलो कलर की ही मैंने जूती पहनी है और ये शाइनिंग है इसमें और थोड़ा सा ब्लू कलर भी है। और ये पैंट वाला कुर्ता मैंने सूट मैंने पहना है और बिंदी में लगाना भूल गई थी, अभी लगाई है। तो आज मैं रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ के साथ जो है जा रही हूँ अपने गांव, हमारा झज्जर गांव। तो आज मैं आपको अपना झज्जर गांव दिखाऊंगी। तो जब हम फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जाते हैं, गुड़गांव से होते हुए झज्जर जाना होता है, तो ये हनुमान जी की मूर्ति पहाड़ी वाले रास्ते पर आती है। तो अगर आप यहाँ से होंगे गुड़गांव या फरीदाबाद से तो आपने ज़रूर देखी होगी ये। तो ये बहुत सुंदर मूर्ति है और काफ़ी साल से ये बन रही थी, फाइनल अब हो चुकी है, यहाँ पर लोग देखने आते हैं। तो अगर आप भी देखना चाहो तो आप आ सकते हो। तो ये पहाड़ी वाला रास्ता और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा एक कूड़े का ढेर भी है और लेफ्ट साइड में पड़ता है ये देखिए। और ये मतलब इतना इसमें पन्नी पन्नी मेरे को दिखाई दे रही थी, पॉलीथिन्स वगैरह, ग्रीन येलो इस तरीके के अलग अलग कलर्स की। और यहाँ पर चील कौवे ऊपर घूमते रहते हैं कूड़े के, तो हो सके तो पॉलीथिन्स का यूज़ कम किया करें। आप सबको पता ही है कितनी हार्मफुल है वो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए। बंद हो जाती है, कभी चल जाती है, बट आप हो सके तो कम ही यूज़ किया करें। और ये देखिए, ये फॉग नहीं है, ये पोल्यूशन है। गुड़गांव में इतना पोल्यूशन था बहुत ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था जैसे फॉग है और बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। तो बस मैं अब झज्जर में एंटर कर चुके हैं हम लोग। और ये देखिए, अब यहाँ पर जो है एनिमल्स वगैरह दिखने लग गए हैं। और ये देखिए गायें भैंस और ये सरसों के खेत। तो यहाँ पर घुसते ही मतलब एंटर करते ही यहाँ की हवा ही चेंज हो गई और झज्जर। तो आज हम आए हैं अपने गांव में, बेरी गांव है हमारा, तो बस वहीं आए हैं। युग भी हैं यहाँ पर और हस्बैंड और मेरी सासू माँ मदर इन लॉ वो गए हुए हैं कहीं और, मतलब कुछ सामान लेने के लिए। वो पीछे सब्जी मंडी है तो वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेने गए हैं। तो हमारे रिलेटिव भी हैं, गांव में तो रिलेटिव होते ही हैं, तो वहाँ पे ले जाने के लिए फ्रूट्स लेने गए हैं। और हमें एक कहीं पे जाना है, सो मुझे भी नहीं पता अभी कहाँ जाना है ठीक से, तो इसीलिए मैं आपको भी नहीं बता सकती। तो बस वहीं जाना है। और आज मैंने ये वाला सूट पहना था, ये देखिए इस तरीके का। बस युग क्या कर रहे हो बेटा, नहीं करो, पापा चलाएंगे गाड़ी। तो बस ये गांव है, गांव का ही एरिया है पूरा, वो देखिए। मतलब मेरी ससुराल जो है मेन यही है, बेरी गांव। आज विलेज व्लॉग है तो मैं आपसे देखते हैं अब आगे कब कंटिन्यू कर पाती हूँ, देखते हैं। और आज मैंने ना ये वाले कड़े डाले हैं जो मैंने आपको ज्वेलरी में दिखाए थे ना, ये और ये वाली चेन, क्योंकि ऐसे सोना तो आजकल पहना नहीं जाता। और युग देखो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है ये लड़का, ये देखो गिर गए ना, ये देखो इसके काम, उठो। तो चले बाद में मिलती हूँ आपसे आगे चल के। मैं सोच रही थी साड़ी पहनूं, बट सुबह सुबह इतनी जल्दी थी कि साड़ी नहीं डाली। चलिए बाद में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।
ले लिया। क्लैपिंग करना बेटा, क्लैपिंग। हाय टेम्पो, हाय। हाँ तो फिर तो हनुमान का मंदिर बड़ा हो। सो गाइस, हम लोग पहले गए थे अपने खेत में अपने पूर्वजों की मंडी को पूजने, और ये मौसी सास का हमारा घर है और यहाँ पर भैंस है। और झज्जर में से हम लौट रहे हैं अब फरीदाबाद की तरफ, और ये सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है सहवाग का। हाय एवरीवन, तो हम आ गए हैं गांव से, और आकर जो है मैंने देखा कि इडली फर्मेंट हो चुकी है, इडली बैटर फर्मेंट हो चुका है। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, ये जो आपको निशान दिख रहा है ना, यहाँ तक फर्मेंट हो गया था, ऐसे फूल गया था, और उसको मैंने ऐसे मिक्स कर दिया और नमक डाल दिया, और अब मैं बनाने जा रही हूँ इडली। तो आपको हमारा गांव कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, और इसकी रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर दोनों चीज़ मिक्स हो गई। तो कल मैं फिर से बनाऊंगी, क्योंकि पूरा नहीं बन पाएगा, कल मैं फिर बनाऊंगी, तो कल आपके सब शेयर करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और पहली बार कोई मुझे देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, बहुत थकान हो गई है, थोड़ा रेस्ट करने, बाय। सो डिनर में मैं आज यही बनाऊँगी, बाय।